हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी यानी कि सत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। बच्चों, 5.1 के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए थे। इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, मैं टोटल आपको 8 क्वेश्चन कराऊंगी 5.1 एक्सरसाइज के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कहा है कि fx आपको एक फंक्शन गिवन है जिसमें आपको -2 फंक्शन लेना है। कब लेना है? जब एक्स लेस देन इक्वल टू है -1, उस केस में आपको -2 लेना है। और 2x लेना है अगर एक्स -1 से तो ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू, यानी कि छोटा है किससे? 1 से, और बराबर भी हो सकता है 1 के। नेक्स्ट केस, थर्ड केस है 2 आपको कब लेना है? जब एक्स ग्रेटर देन है 1 से, यानी कि एक्स बड़ा है 1 से। ये कंडीशंस आपकी बन रही हैं। तो इट मींस हमारा यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैंने आपको बताया था। इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, और हमें फंक्शन भी निकालना है। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि हम पॉइंट्स क्या लेंगे। तो पॉइंट्स हम चेक करेंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू -1 पे भी है और -1 लेस देन है एक्स के। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज में बन रही है। तो इट मींस फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आया? -1। -1 पे हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी को, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड में हमारे पास है कि एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 के है, और एक में एक्स ग्रेटर देन 1 के भी है। लेस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हमारे पास फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट। ग्रेटर देन का मतलब होता है जब एक्स बड़ा होता है, उसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन है और इक्वल टू पे भी फंक्शन है। इट मींस 1 वाली एग्जिस्ट कर रही है लिमिट। तो ये जो पॉइंट है हम 1 पे भी निकालेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, -1 और 1। इन दोनों पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एक्स इक्वल टू -1 पर फलन के सांतत्य का परीक्षण। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं हम, एक्स इक्वल टू -1 पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, लेफ्ट के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस साइन लगाते हैं, बिकॉज हम -1 पे चेक कर रहे हैं। तो यानी कि -1 की पावर -1, यानी कि माइनस पे चेक कर रहे हैं हम, तो इसमें हम माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि हम लेफ्ट के लिए चेक कर रहे हैं। जब हम इसको एच में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? एच में। तो ये जो -1 में माइनस लगा है ना ऊपर, तो ये माइनस हो जाता है एच इसमें से। तो -1 - h, बिकॉज हम एच में कन्वर्ट कर रहे हैं इस लिमिट को, तो ये -1 - h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से लिखा जाएगा। अब हमारे पास आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ -1 - h की। एफ का मतलब है फंक्शन, फंक्शन देखना है हमें -1 - h के लिए। तो बच्चों, अगर आपको पता चल जाए एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट पर आपको फंक्शन कौन सा लेना है, तो एक्स की प्लेस पर हम -1 - h पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफ -1 - h की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि x के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन चेक करते हैं, इसमें x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 है, ठीक है। इक्वल टू वाला हमें अभी चेक नहीं करना है, लेस किस में है एक्स? लेस वाला फंक्शन है -2, ऊपर वाली कंडीशन बन रही है, यानी कि -2 वाली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम फंक्शन क्या लेंगे? -2 लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। एफ एक्स हमारे पास -2 आया है, और एक्स की प्लेस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है -1 - h की। तो यहाँ पर अगर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स है हमारे पास, लेकिन राइट में भी एक्स होना चाहिए, तभी तो एक्स की वैल्यू पुट की जाएगी। यहाँ पर तो एक्स गिवन नहीं है, इट मींस -2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास -2 आ गया, -1 - h की वैल्यू। तो वही हमने यहाँ पर किया है, इसकी वैल्यू -2 पुट कर दी। बच्चों, यहाँ पर जब लिमिट ही गिवन नहीं है, एच की वैल्यू ही नहीं है, तो लिमिट क्या पुट करें इसमें? हम लिमिट पुट कर सकते हैं? नहीं। अगर h गिवन होता था उसमें हम h की प्लेस पे 0 पुट कर देते। अब यहाँ पर h है ही नहीं, तो पुट क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो इट मींस -2 विल बी आवर लेफ्ट हैंड लिमिट आल्सो। सो स्टार्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे x इक्वल टू -1 पर। तो बच्चों, राइट के लिए मैंने आपको क्या साइन बताया है? प्लस का। जो भी हमारी लिमिट जिस पे हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट, उसके ऊपर प्लस साइन लगा देते हैं, और fx, ठीक है।
हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं एच में, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं एच में, तो एफ। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, जब हम चेंज करते हैं तो फंक्शन भी चेंज हो जाता है। माइनस वन में प्लस होना है, जो भी आप चेंज कर रहे हैं, एच लिखा है ना, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं एच के प्लेस पे, सी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, लेकिन हमने एच लिया है तो माइनस वन में प्लस किया जाएगा जिसमें हम चेंज कर रहे हैं, एच में चेंज कर रहे हैं, तो माइनस वन प्लस एच हो जाएगा। अब हमें माइनस वन प्लस एच फाइंड करना है फंक्शन के लिए, तो हमें राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों फंक्शन फाइंड भी तो करना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट में एक्स हमेशा ग्रेटर देन होता है उस पॉइंट से, तो हम माइनस वन पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो माइनस वन से ग्रेटर होना चाहिए एक्स। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन बन रही है, कंडीशन बन रही है, तो वो कंडीशन बन रही है एक्स ग्रेटर देन है माइनस वन से, सेकंड कंडीशन। इट मींस फंक्शन आपका टू एक्स आएगा इसमें, है ना, फंक्शन क्या आएगा टू एक्स, यानी कि एफ एक्स आपको लेना है इसमें टू एक्स, एफ एक्स आपको लेना है टू एक्स। तो एक्स के प्लेस पे आपको फाइंड करना है माइनस वन प्लस एच की वैल्यू, तो इट मींस एक्स के प्लेस पे आप माइनस वन प्लस एच पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पे आप माइनस वन प्लस एच पुट करेंगे, टू की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू प्लस टू एच हो जाएगा। और फिर बिकॉज हमें इसमें लिमिट भी पुट करनी है, तो लिमिट पुट कर देते हैं जल्दी से, एच के प्लेस पे ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया तो टू की मल्टीप्लाई माइनस वन में की माइनस टू हमारे पास आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस टू आ गई, राइट हैंड लिमिट भी माइनस टू आ गई, इट मींस हमें अब माइनस वन पर फंक्शन चेक करना है क्या आएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस वन कौन से में बना है, इक्वल टू माइनस वन बच्चों चेक कीजिए कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्स इक्वल है माइनस वन के, तो दैट्स बी कंडीशन नंबर वन, विच इज़ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, यानी कि फंक्शन हमारे पास माइनस टू है, एक्स के प्लेस पे हमें माइनस वन पुट करना है फंक्शन निकालने के लिए। जब हम माइनस वन रखेंगे तो इधर एक्स होना चाहिए बट देयर इज़ नॉट एक्स, तो इट मीन्स टू विल बी आर आंसर, है ना, किसमें माइनस में, तो माइनस टू आ जाएगा, यानी कि हमारे पास फंक्शन भी बच्चों क्या आ गया, माइनस टू आ गया, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों ही इक्वल आ गए हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन पर, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पर फलन कैसा हो गया है, सतत हो गया है। आई होप इट्स क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट एट सेकेंड पॉइंट, एक्स इक्वल टू वन पर फलन के सांतत्य का परीक्षण करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स इक्वल टू वन पर, तो बच्चों हम क्या करते हैं, मैंने आपको साइन बताया है वन माइनस यूज़ होता है लेफ्ट के लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे एच में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया है एच में कन्वर्ट करने के लिए, ये एक्स जो होता है वो चेंज हो जाता है, वन में से माइनस कर रहे हैं ना, तो जो इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं एच में चेंज कर रहे हैं ना, तो वन में से माइनस कर देंगे उस एच को, वन में से माइनस कर देंगे एच को जिसमें हम चेंज कर रहे हैं, तो एफ वन माइनस एच बन जाएगा। अब हमें एफ वन माइनस एच की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, एफ वन माइनस एच की, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा टेबल को, फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि एफ वन माइनस एच कौन सा फंक्शन बनेगा। अब बच्चों लेफ्ट निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू वन पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स क्या होता है, स्मॉल होता है वन से, चेक करिए ये कंडीशन कौन से में बन रही है, तो एक्स लेस देन है वन के ये कंडीशन बन रही है सेकंड वाले में, इट मींस टू एक्स, यानी कि फंक्शन एफ एक्स आपका क्या लिया जाएगा, टू एक्स लिया जाएगा फंक्शन। एक्स के प्लेस पे आपको फाइंड करना है वन माइनस एच, तो यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स के प्लेस पे वन माइनस एच, सिमिलरली इधर भी एक्स के प्लेस पे वन माइनस एच, यानी कि एफ वन माइनस एच को हम क्या पुट करेंगे, टू वन माइनस एच, वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास टू वन माइनस एच। फिर यहाँ पर हम एच की लिमिट पुट कर देंगे, ज़ीरो है तो यहाँ पर हमने एच के प्लेस पे ज़ीरो रख दिया, तो इट मींस हमारे पास टू बच जाएगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स इक्वल्स टू वन पर, तो बच्चों राइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं, एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। अब हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, एच में, और अगर हम एच में कन्वर्ट करते हैं तो ज़ीरो लिया ही जाता है, साथ में ये फंक्शन चेंज हो जाता है, अगर एक्स है ना यहाँ पे तो एच में कन्वर्ट हो रहा है तो वन में प्लस हो जाएगा एच, तो एफ वन प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है।
आपको मैंने बताया था कि राइट हैंड लिमिट में हमारा फंक्शन यानी कि एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन होता है उस पॉइंट पे जिस पे हम निकाल रहे हैं, वन पे निकाल रहे हैं ना, तो एक्स ग्रेटर देन वन कौन सी कंडीशन हमारी बन रही है वो देख लेते हैं। एक्स ग्रेटर देन वन के लिए हमारे पास फंक्शन है टू। क्या गिविन है हमें? फंक्शन टू गिविन है, तो यानी कि हम टू पुट करेंगे इसमें, तो एफ़ वन प्लस एच हमारा टू आ जाएगा। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे एच की प्लेस पे, तो यहाँ पर तो एच गिवन ही नहीं है, हम क्या पुट करेंगे, तो इसलिए हमारा टू ही आ जाएगा ये। अब बच्चों एक्स इक्वल्स टू वन पर चेक करें फंक्शन क्या आएगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट तो आ चुकी हैं, इक्वल टू पे देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू वन ये वाली कंडीशन सेकंड कंडीशन बन रही है जिसमें टू एक्स गिवन है हमें फंक्शन, तो एफ एक्स टू एक्स गिवन है। अगर हम एक्स की प्लेस पे वन रख देते हैं तो टू मल्टीप्लाई वन इक्वल्स टू टू, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन, क्योंकि तीनों ही हमारे पास टू आ चुके हैं, तो इसीलिए एक्स इक्वल टू वन पर फलन सतत है। क्योंकि इसमें सिर्फ दो पॉइंट पर ही फाइंड करना था, माइनस वन और वन पर, तो एक्स आते हैं एक्स के प्रत्येक एक मान के लिए फलन कैसा है, सतत है। कैसा फलन है ये? सतत है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा है दर्शाइए कि जी एक्स, जी एक्स आपको एक फलन दिया हुआ है एक्स माइनस, बच्चों इस साइन को आप क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यानी कि महत्तम पूर्णांक, ठीक है। तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, ऐसा दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है, ठीक है। फिर कहा है यहाँ जो डिटर्म या ये हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वह महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो एक्स के बराबर है या एक्स से कम है, ठीक है। यानी कि जो एक्स के बराबर है या एक्स से कम है वो आपको बताना है। तो ऑफ़ कोर्स हम शो कर देंगे इसको, किस टाइप से करेंगे, उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए स्टूडेंट्स। क्या चाहिए? पॉइंट, और पॉइंट हमें इसमें गिवन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से एक पॉइंट सपोज कर लेंगे ए, फलन की सांतत्य का परीक्षण करेंगे फिर ए पर कि देखते हैं कंटिन्यूस आता है डिसकंटिन्यूस। बच्चों हमसे कहा है कि ये जो एक्स है, ठीक है, ये जो एक्स है वो क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर ये पूर्णांक है तो इसका मतलब पूर्णांक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, हमने एक नंबर लाइन बना ली यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच में पॉइंट ए लाई करेगा, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट साइड में वो मिनिमम पॉइंट क्या होगा, ए माइनस वन, और इसकी राइट साइड में मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, ए प्लस वन। अगर मैं इसमें इंटरवल लूँ यानी कि एक पॉइंट एच लूँ, ठीक है, तो एच ए की साइड में ये छोटे छोटे इंटरवल होते हैं जिनको हम एच सपोज करते हैं, तो इधर की साइड जा रहा है यानी कि ए में से माइनस हो रहा है एच, और अगर मैं राइट साइड लूँ तो ए में प्लस होगा एच, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से इंटरवल हैं, इसको हम छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने ये नंबर लाइन ली है, इसमें मुझे ये फंक्शन शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूस है। कैसे शो करेंगे, उसके लिए हमें लेफ़्ट एंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी एक्स इक्वल्स टू ए पे। लेफ़्ट के लिए हम यूज़ करते हैं साइन ए माइनस, है ना, माइनस साइन यूज़ करते हैं। बच्चों हम हमेशा एफ एक्स रखते थे, लेकिन यहाँ पर जी एक्स पुट क्यों किया है, क्योंकि फंक्शन ही हमें जी एक्स गिवेन है, इसलिए हमने यहाँ पर जी एक्स लिखा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जी एक्स, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, एच में, एच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ए में से माइनस हो जाएगा एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो जी ए माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमें जी एक्स का फंक्शन गिवन है उसमें एक्स की प्लेस पे ए माइनस एच आपको पुट करना है, और जी एक्स का फंक्शन आपको गिवन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स गिवन है आपको, तो एक्स की प्लेस पे आप ए माइनस एच पुट करेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की यानी कि एक्स की प्लेस पर भी ए माइनस एच पुट करेंगे। तो बच्चों ये तो सिंपली ए माइनस एच लिखा ही है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ए माइनस एच, यानी कि इसमें कहा है एक्स से कम मान, तो कम
लेफ़्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो अगर मैं इस नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड चलूं तो मेरा लास्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, ए माइनस एच होगा, यानी कि ए माइनस एच की वैल्यू ए माइनस वन आएगी लास्ट पॉइंट पे। लेफ़्ट साइड का है तो लेफ़्ट साइड ही चलना पड़ेगा आपको, ए माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जी ए माइनस एच आपके पास हो गया ए माइनस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच, और ए माइनस एच को आपको लिखना है ए माइनस वन, बिकॉज जो हमने नंबर लाइन बनाई थी उस पर लास्ट वाली टर्म ए माइनस वन आ रही है जो कि लेफ़्ट साइड है, तो ए माइनस वन। जब आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, और एच की लिमिट पुट कर दोगे तो माइनस ज़ीरो प्लस वन वन बन जाएगा। इट मीन्स लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास वन आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स इक्वल टू ए पर फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन यूज़ करते हैं लेफ़्ट के लिए। तो ये हो जाएगा लिमिट, एच में कन्वर्ट कर रहे हैं, एच टेंस टू ज़ीरो एफ, ये ए में प्लस हो जाएगा क्या, एक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं एच में, तो ए प्लस एच बन जाएगा। तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू देखनी है आपको, यानी कि राइट साइड आपको जाना है, कौन सी साइड जाना है, राइट साइड। तो मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बनाई थी, लेफ्ट साइड ए माइनस वन था, राइट साइड ए प्लस वन था, तो राइट साइड जाना है, राइट साइड का पॉइंट क्या है, लास्ट ए प्लस एच। तो यानी कि हम ए माइनस ए प्लस एच की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस एच की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस वन पुट करेंगे। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, जीरो माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन के। तो यानी कि जो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी क्या आई है, माइनस वन। सो स्टूडेंट्स, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट वन आई थी और राइट हैंड लिमिट आपके पास माइनस वन आए हैं, तो दोनों ही अनइक्वल है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि जी एक्स प्रत्येक पूर्णांक के लिए क्या है, असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। इसमें कहा है एफ एक्स इक्वल टू के कोस एक्स, के कोस एक्स आपको गिवन है, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स आपको गिवन है। ये फंक्शन आपको कब लेना है स्टूडेंट्स, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स लेना है जब एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू है। इट मींस एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू कौन से पॉइंट्स पे होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के पॉइंट्स पे भी। बच्चों ऑफकोर्स नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, लेकिन पाई बाय टू तो नहीं आएगा ना एग्जैक्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई पॉइंट तो आएगा, ज़ीरो तो नहीं आएगी, है ना, यानी कि पाई बाय टू तो नहीं आएगा। और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो उसमें भी कोई वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, लेकिन एग्जैक्ट पाई बाय टू नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन आपको के कोस एक्स माइन अपॉन में पाई माइनस टू एक्स लेना है, और पाई बाय टू पे आपको फंक्शन थ्री लेना है। मैं आपको नंबर लाइन्स बता देती हूँ, ये आपका कोई पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, लेफ्ट साइड आप चलेंगे तो पॉइंट कुछ ना कुछ तो बच्चों ज़रूर आएगा, तो के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, और राइट साइड में लोगे तो भी के कोस एक्स अपॉन में पाई माइनस टू एक्स। इन दोनों केसेस पे फंक्शन आपको ये लेना है, ठीक है ना। और अगर x इक्वल्स टू पाई बाय टू गिवन है, x इक्वल्स टू पाई बाय टू, तो बच्चों इसमें हम पाई बाय टू पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। कौन सी लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट पे मैंने आपको बताया है कि फंक्शन एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू आएगा, और राइट हैंड लिमिट पे भी एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो हम माइनस साइन यूज़ करते हैं, और फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं उसे एच में, एच टेंस टू ज़ीरो एफ, तो पाई बाय टू में से माइनस किया जाएगा, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उसको, क्या चेंज कर रहे हैं, हम एच में चेंज कर रहे हैं, तो एफ पाई बाय टू माइनस एच। तो यानी कि एफ पाई बाय टू माइनस एच की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो फंक्शन तो हमें पता चल ही चुका है कि के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स आएगा, यानी कि एफ पाई बाय टू माइनस एच निकालने के लिए एक्स के प्लेस पे एफ एक्स होता है ना, तो एक्स की प्लेस पे हमें पाई बाय टू माइनस एच पुट करना है। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं,
पाई बाई टू माइनस एच। तो बच्चों ये के कोस एक्स के प्लेस पे पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया, अपॉन में पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया। आपको पता है कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा अपॉन में पाई माइनस टू की मल्टीप्लाई जब पाई बाई टू में करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स पाई आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये आपके पास टू एक्स, बट हम यहाँ पर एच पुट कर रहे थे तो एच ही रखेंगे तो एच हो जाएगा हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल, तो के साइन एच अपॉन टू एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, के साइन एच अपॉन टू एच आ जाएगा, है ना। अब ये जो टू है, के कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच अपॉन एच बचा, और इसकी वैल्यूज स्टूडेंट वन होती है, क्या होती है, वन होती है, इट मीन्स के बाय टू विल बी अ लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास के बाय टू आ गई है, तो चलिए अब जल्दी से राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं पाई बाय टू पर। सिमिलर करना है, बस माइनस के प्लेस पे हमारा प्लस हो चुका है, तो यहाँ पर भी कोस पाई बाय टू प्लस एच और पाई बाय टू प्लस एच। अब बच्चों कोस 90 प्लस एच क्या होता है, 90 प्लस एच होता है माइनस के साइन एच होता है ना, क्या होता है, माइनस साइन एच होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली माइनस टू की मल्टीप्लाई जब पाई बाई टू में की जाती है तो बच्चों क्या आता है, सिर्फ माइनस पाई बचता है, और टू की मल्टीप्लाई एच में की जाएगी तो ये माइनस के है तो माइनस टू एच आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। माइनस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो के माइनस साइन एच अपॉन माइनस टू एच आ गया, है ना। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, के अपॉन टू कॉन्स्टेंट है तो इट मीन्स के अपॉन टू तो हम बाहर रख लेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच अपॉन एच आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, वन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटली वन हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, के बाय टू, एंड ऑफ कोर्स पाई बाय टू पर फलन यानी कि फंक्शन हमें क्या गिवन था, थ्री गिवन था, एफ एक्स क्या गिवन है, थ्री गिवन है, तो इसीलिए हम अगर एक्स के प्लेस पे पाई बाय टू भी पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, थ्री ही आएगा, है ना। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास के बाय टू, राइट हैंड लिमिट हमारे पास के बाय टू, और फंक्शन हमारे पास थ्री आ गया, है ना। तो दोनों ही के बाय टू को के बाय टू के इक्वल नहीं रखा जा सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ही ये बराबर है, इससे हमें के की वैल्यू कभी फाइंड नहीं होगी। तो के बाई टू को हम किसके इक्वल रखेंगे, थ्री के इक्वल रखेंगे, तो इट मीन्स के इक्वल्स टू सिक्स विल बी आर आंसर, ठीक है बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एफ एक्स हमें गिवन है मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित है फलन की असांतत्य के यानी के असतत्ता, असतत्ता को भी असांतत्य ही बोलते हैं। इसके बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है यानी कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हमें फाइंड करनी है अगर इसमें है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें एफ एक्स गिवन है मोड की वैल्यूज़, और बच्चों मैंने आपको बताया था कि मोड की जो भी वैल्यूज़ होती है वो अगर कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो हर किसी पॉइंट पे क्या होती है, कंटिन्यूस ही होती है मोड की वैल्यू, ठीक है। तो मोड की वैल्यू हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होती है। तो हमने क्या किया है इसमें, हमने किया है पहले वाले को, क्योंकि ये टू टर्म्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट टर्म को मैंने पी एक्स सपोज कर लिया, सेकंड टर्म को मैंने जी एक्स सपोज कर लिया। अब बच्चों जो मापांक फलन होता है पी एक्स इक्वल टू मोड एक्स आपको गिवन है, हर किसी रियल नंबर के लिए क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। अब जो जी एक्स है वो भी मापांक का फंक्शन है यानी कि मॉडुलस फंक्शन है, उसके लिए भी एक्स हर रियल नंबर के लिए क्या होगा, सतत फलन होगा। तो इसीलिए एफ एक्स क्या है, पी एक्स माइनस जी एक्स आपको गिवन है, पी एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा ये। तो हम हमेशा रियल नंबर पे ही लेते हैं, एक्स को हम रियल नंबर सपोज कर रहे हैं, तो यानी कि अतः एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस जी एक्स भी सतत फलन होगा, क्योंकि अगर सतत फलन में सतत फलन माइनस किया जा रहा है तो कंटिन्यूस ही आता है, सतत आता है ना। तो यानी कि एफ एक्स किसी भी बिंदु पर असतत फलन नहीं है, यानी कि हमारे पास डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट तो तभी आएंगे ना जब हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए
जो पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के वो भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी क्वेश्चंस इस पे डिपेंड क्वेश्चन है, आई होप आप उन्हें अच्छे से भी कर लेंगे। लेकिन आपको ये 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, सो आई होप आप अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।